फ्रेंड्स, फूड गली में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे किवामी सेवई बिल्कुल डिफरेंट अंदाज से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच घी। देसी घी से आप बनाएं। जब भी आप सेवइयाँ बनाएं तो तेल का यूज़ बिल्कुल ना करें, उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। यहाँ पे मैंने एक कप डाला है मखाना। मखाने को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए, और उसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, सारे 50-50 ग्राम मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है, उसे बारीक बारीक कट कर लिया। यहाँ पे मैंने लिया है चिरौंजी, काजू और बादाम। चिरौंजी को तो आप छोटे छोटे दाने होते हैं वैसे ही आप डाल दें, और काजू और बादाम को पतले पतले छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें या फिर दरदरा पीस लें मिक्सी जार में। इसे मैं तब तक फ्राई करना है जब तक कि इससे इसका एक अच्छा खुशबू ना आने लगे, एक अच्छा सा कलर ना आ जाए, लाइट गोल्डन कलर, ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमें। उसी घी में हम यहाँ पे आधा कप नारियल का बुरादा यानी खोपरा मैंने यहाँ पे लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे ग्रेट कर ले और इसमें डाल दें। यहाँ पे मैंने आधा कप नारियल का खोपरा लिया, इससे आपका जो किवामी सेवई है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक एक लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। उसे निकाल दिया मैंने, और उसी पैन में मैंने डाल दिया है 200 ग्राम मावा, बिल्कुल फ्रेश मावा है हमारा, और उसे भून के उसे भी निकाल देंगे। फिर से मैंने उसी कढ़ाई में लिया है एक बड़ा भर के मैंने टेबलस्पून लिया है देसी घी, और उसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम सेवइयाँ। ये बिल्कुल बारीक वाली सेवइयाँ हैं, इसे हम लोग रुमाली सेवइयाँ भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे बनारसी सेवइयाँ भी कहते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। अगर आप बोलें कि आपको किवामी सेवई बनानी है तो जो दुकान वाले हैं वो आपको दे देंगे ये बारीक वाली सेवइयाँ। मोटी वाली सेवइयों का यूज़ ना करें। अगर आपके पास ना मिले तो आप मोटी वाली सेवइयों को बनाएं। इस सेवई से जो हमारी किवामी सेवई है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है। तो इसे हम घी में अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, जब ये फ्राई हो जाएगा तो ये अपने आप इसका जो वॉल्यूम है, जो जितना जो ऊंचा था वो नीचे दब जाएगा, ये देख सकते हैं आप। बस इसे अच्छे से घी में भून लें। तकरीबन मैंने 4 से 5 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भुनाई किया था, इसका एक अच्छा सा स्मेल आने लगे, बस उतना देर तक आपको भून लेना है। ये देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर दे। अब इस सेवई जो अच्छे से भून गई है उसे मैंने निकाल दिया है। ये मैंने वन पोर्ट सेवई बनाई है, तो सारा काम मैं इसी कढ़ाई में कर रही हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कप चीनी, यानी मैंने आधा कप वाले कप से मैंने 2 कप लिया है, यानी कि टोटल है ये 1 कप। और जितना आप चीनी ले उतना ही पानी डाल दें, रेशियो 1:1 का होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे फूड कलर, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। डालने से कलर अच्छा आता है। अगर आपको सिर्फ टेस्ट से मतलब है, कलर से कोई मतलब नहीं, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर। अगर आपके पास हरी इलायची का पाउडर ना हो तो 3-4 हरी इलायची को कूट के इसमें डाल दें, और इसे अच्छा से उबाल आने दें जब तक कि इसका, जब आप इसे टच करें तो एक लस जो होता है, जो चिपचिपापन हो जाए, बस उतना देर तक आपको पकाना है। बिल्कुल 1 तार या 2 तार की हमें चाशनी नहीं बनानी है। और इसमें हमने जो भी ड्राई फ्रूट्स भुने थे और मखाने जो फ्राई किए थे उसे दरदरा पीस के हमें डाल देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मावा, नारियल का बुरादा और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे और मखाने को हमने जो पीसा था उसे सबने डालकर अच्छे से मिला ले, और उसके बाद इसमें डाल दें हम सेवइयाँ। बिल्कुल इजी रेसिपी है, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। इसे आप ईद के मौके पे बनाएं और ऐसे भी बना सकते हैं, और ब्रेकफास्ट कभी भी मौका मन करे बस इसको आप इजीली 1 से 2 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल ये ख़राब नहीं होने वाली जिस मेथड से मैं बता रही हूँ। इसे लो फ्लेम पर हम अच्छे से पकाएंगे, ये देख सकते हैं। आप फ्लेम को लो कर दें, जब आपकी चाशनी हो जाए तो आप फ्लेम को लो कर दें। लो करने के बाद ही आप सेवइयों को डालें और इसे देखिए अच्छे से पकाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पे आधा कप लिया है। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनकी जो सेवइयाँ हैं वो कड़ी हो जाती है, वो बहुत टाइट हो जाती है, तो इसी को मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से बताया है। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप आधा कप दूध डाल देंगे तो आपकी सेवइयाँ तो वैसे ही सॉफ्ट होने वाली है,
बिल्कुल सॉफ्ट और एक क्रीमी टेक्सचर, जो मुंह में घुल जाने वाली टेक्सचर है वो आती है इस दूध से। तो आप कोशिश करें कि आप मलाई वाले दूध जो है वो लें। ये देखिए अच्छे से इसे मिला लें। अब ये हमारी जो सेवैयाँ बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो चुकी है, ये मैंने अच्छे से चला लिया है, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी सेवई बन के आपके तैयार हो जाएगी। बिल्कुल आपको इसे जितना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप जितनी सेवैयाँ लें उसके दुगना तिगना तीन गुना मतलब चीनी ले, नहीं आज अभी ये जो है अभी जो माहौल चल रहा है बिल्कुल सेहत से आप अपने कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और चीनी तो आप बिल्कुल कम ही यूज़ किया करें। अगर आप इससे भी कम खाने का चाहते हो तो इससे भी कम कर ले, लेकिन ज़्यादा ना करें। जितना मैंने डाला है ये परफेक्ट आपका जो मेज़रमेंट है। इसे हम गार्निश कर देंगे बादाम काजू से, इसे सर्व करेंगे। तब तक के लिए